खबर चंदौली के सैयद राजा से है, जहां नगर के रामलीला मैदान में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व समाजवादी चिंतक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का 80वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने मौके पर मौजूद वृद्ध महिला के हाथों केक कटवाकर वाकिव केक खिलाकर खुशियां मनाई और उनके लंबी उम्र की कामना की। जन्मदिन के मौके पर पूर्व विधायक ने हजारों की संख्या में मौजूद निराश्रित विधवा व विकलांगों को ठंड आने से पूर्व ही कंबल का वितरण किया। वह भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो काम सरकार व उनके जनप्रतिनिधियों को गरीबों के लिए करना चाहिए, उसे एक समाजवादी सिपाही द्वारा किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने ये भी कहा कि मैं अपने विधायक के कार्यकाल में एक वर्ष के दौरान सैयद राजा में बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए महिला डिग्री कॉलेज की 4 मंजिला इमारत का निर्माण कराया, लेकिन यह सरकार उस नवनिर्मित भवन में अध्ययन का काम 2 साल बीतने के बाद भी अब तक प्रारंभ नहीं करा सकी और यही लोग बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। और साथ ही बहुत जल्द उस पंप कल्याण के लिए आने वाला हूँ और इन लोगों को उखाड़ के फेंक देने का काम हम लोग करेंगे। जिंदाबाद। आज तो केंद्र सरकार भी इनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार है जो एक रोड नहीं बनवा पाता है, आज शिलान्यास करते हैं, रेलवे की शिलान्यास करते हैं, क्या बोलते हैं ममता बनर्जी के पीरियड का जो पुल पास है उस पीरियड पुल का शिलान्यास करके यह चाहते हैं कि वोट बटोरने का काम होगा। आज जनता ये जान चुकी है कि इन लोगों को उखाड़ के फेंक देने का दिन है, यह संकल्प आज नेताजी के जन्मदिन के ऊपर लेने का आज दिन है। साथी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा साथी कि सैयद राजा या डिग्री कॉलेज मैंने 1 साल में बनवाने का जो काम किया, 4 तल्ला बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन 2 साल से मैं विधायक नहीं हूँ। दुर्भाग्य है कि 2 साल के अंदर उस डिग्री कॉलेज को भी यह निकम्मी सरकार चलवाने का काम नहीं की। मैं साथी आप लोगों से कहूंगा, अभी हमारे सैयद राजा नगर के मुगल भाई, हमारे गुलाम गौस भाई और तमाम साथियों को मैं कहूंगा कि एक दिन धरने पर बैठने का काम यह राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज पर होने का काम होगा, इन सरकार के लोगों को आईना दिखाने का काम होगा, यह कमल वितरण का काम यह सरकार को आईना दिखाने का काम है कि ठंडी का मौसम आ गया, मजबूर लोगों को जो गरीब लोग हैं, जो विधवा है, असहाय है, उन लोगों को कमल वितरण करने का काम